हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 9.8 जो स्टोरी सम्स था वो मैंने आपको डिटेल करवाया था, क्योंकि बहुत बच्चे को स्टोरी सम्स में प्रॉब्लम होते हैं, स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं, स्टोरी सम्स को समझ नहीं पाते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी आज हम बात। कवर करेंगे वॉल्यूम ऑफ अदर शेप्स। जैसे इससे पहले के जो एक्सरसाइज था 9.8, जिसमें हमने क्यूब का, क्यूबॉइड का, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थे उनका हमने वॉल्यूम निकाला है ना, अलग अलग थे तो उसके वॉल्यूम्स निकाले, कितने वॉक्यूंस बन सकते थे, कितने क्यूबॉइड बन सकते थे, इन सभी पे हमने डिस्कस किया आते हैं है। उससे उससे पहले कुछ अलग वाले शेप्स को देखेंगे। सो कह रहे लुक एट द मार्वल्स, सो अलोंग साइड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्वल्स को। यू कैन फाइंड इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस मार्बल को, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कुछ लिक्विड्स भरे हुए हैं है ना, और ये उसकी मेजरमेंट डाल रहे हैं। तो अगर ये मैं इसके अंदर पुट ऑन करूंगा तो इस वाटर के जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, राइट। सो टू मेजर द वॉल्यूम, तो हमें उस वॉल्यूम को मेजर्स करना है। ऑफ सच ऑब्जेक्ट पुट इज मेजरिंग ग्लास फिल बोथ वाटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो ग्लास है इसके अंदर वाटर फिल है, तो आप यहाँ पे लेवल से चेक कर सकते हैं कि जो लेवल है वो 100 का है। तो अभी इसमें, इस ग्लास में जो वाटर है 100 ml है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को, यानी ये जो मार्बल्स है इसको हम इसमें पुट ऑन कर देते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जब हम इसमें पुट ऑन करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है, यानी ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, ये राइज कर जाता है, ये बढ़ के 200 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइज कर रहा है, ये 100 जो है वो राइज कर रहा है। सो द लेवल, द वाटर लेवल इज इन द मेजरिंग ग्लास राइज बाय 100 ml। तो जो वाटर की जो लेवल है वो 100 जो है ml बढ़ गया। वेन द मार्बल इज पुट इन इट सिंस, सो आपको ये याद रखना है कि 1 ml यानी 1 ml जो होता है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो दिस मीन्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ अ मार्बल इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी हम ये कह सकते हैं उस मार्बल का जो वॉल्यूम है, यानी इस मार्बल का जो वॉल्यूम है वो कितना आया, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। बात समझ आए? चलिए अब देखिए, इसी के बेस पे बच्चों आपको एक्सरसाइज जो है ना 9.9 दिया हुआ है, तो इनको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए में कह रहा है सम ऑब्जेक्ट आज ड्रॉप इनटू द मेजरिंग ग्लास विथ 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। यानी इसमें 100 ml ऑफ वाटर ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉप्ट करेंगे यानी गिराएंगे इसमें। सो फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, तो उस हर एक ऑब्जेक्ट का हमें वॉल्यूम बताना है। जैसे इसमें हमने अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड किया, इसमें अलग किया, इसमें अलग किया, तो इसका वॉल्यूम चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं ये मान के चलूं इसमें ये जो है, इसमें जो वाटर की जो लेवल है वो कितना, क्वेश्चन में कह रहा है 100 ml, ठीक है। तो 100 ml ऑलरेडी वाटर था इसके अंदर। अब जो है इसमें ये डालने के बाद, ड्रॉप करने के बाद जो वाटर लेवल है वो कितना है, 150 आया। तो 100 150 में से 100 को लेस करो तो कितना आ जाएगा, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं इसके जो अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ए वाले फर्स्ट क्वेश्चंस का। अब इसमें चलिए समझते हैं। तो वाटर लेवल तो 100 है, लेकिन अब जो दिख रहा है हमें 200 है, यानी 100 टाइम्स जो है ये बढ़ गया। तो इसका जो वॉल्यूम, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट,
क्योंकि ये 100 टाइम्स राइज कर रहा है, देखो ना 100 टाइम पे जा रहा है, 200 तो ऑलरेडी वाटर इसके अंदर है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखिए 100 वाटर है, गया कहाँ पे 250 पे, तो यानी ट्वाइस यानी ट्राइस हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 150 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हो जाएगा, आप इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ये होगा, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ये होगा, इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ये हो गया, राइट। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया, वॉल्यूम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे निकालोगे, ये बातें आपको क्लियर हो गए। अच्छा अब देखो बी पार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बी में, बाय हाउ मेनी लीटर्स विल द वॉटर लेवल्स राइज इफ ऑब्जेक्ट विथ द फॉलोइंग वॉल्यूम्स आर ड्रॉप्ड इनटू द मेजरिंग ग्लास। अच्छा अभी जो हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि 1 ml जो होता है ना 1 cm³ के बराबर होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको ये बी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पे कह रहा है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी इसके जगह पे अभी हमने आपको क्या समझाया कि 1 ml होता है ना 1 cm³ के बराबर होता है, तो इसी के बेस पे आपको दिया होगा, तो बस यहाँ पे कह रहा है कि ml लगाना है, तो देखो ये जो क्यूबिक है इसके जगह पे क्या लग जाएगा, ml हो जाएगा, ये क्या होगा 15 ml आ जाएगा, ये जो आपको 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 25 ml आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, इतना राइज कर रहा है। अब इसको आप हटाओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 ml जो है वो राइज कर रहा है, बात समझ आया। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इसको रिमूव करो, ये कितना आ जाएगा 55 ml जो है वो राइज कर रहा है, इसको रिमूव करो 60 ml जो है वो राइज कर रहा है, इसको रिमूव कर दो ये कितना आ जाएगा 70 ml आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा है, या फिर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉल कर सकते। अब इसमें देखिए तो ये 100 आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 85 ml हो जाएगा, इसको अगर आप कट करिए 155 ml हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 ml आ जाएगा, बात समझ आया कि नहीं आया। तो ये बहुत बेसिक है, कब बेसिक है, जब आप इसे अच्छे से याद करते हैं, है ना, ये वाली पॉइंट अगर आपके माइंड में नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, डेफिनेटली बहुत बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि मैं जनरल डेली लाइफ में भी देखता हूँ कई बच्चों को इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप इन्हें अच्छे से एक या दो बार जरूर वीडियो को देखना, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर से लीटर मैंने मिलीलीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है आपका ये जो एक्सरसाइज 9.9 होता है कंप्लीट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर्स एंड बाय बाय।